हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हीना वर्मा और आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जिन्हें हम चाचा नेहरू बोलते हैं और जिनकी वजह से हम 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं इंग्लिश की वीडियोज़ देती हूँ, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ चैप्टर्स को। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और चाचा नेहरू, एज चिल्ड्रन फॉन्डली कॉल्ड हिम, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कह रहे हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं या चाचा नेहरू, जो बच्चे बहुत ही प्यार से उन्हें चाचा नेहरू बुलाते थे, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया बोला गया है, मतलब इससे पहले हमारा इंडिया आज़ाद नहीं था। तो जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ही फॉट फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एंड वॉज इम्प्रिजेंट 9 times इन द स्ट्रगल। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ी इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए। ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाए इसलिए, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते उन्हें 9 बार, मतलब 9 times जेल भेज दिया गया था। एज प्राइम मिनिस्टर ही डेवलप्ड इंडिया इंटू अ स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल नेशन। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने हमारे इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और पीसफुल नेशन बनाया। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर और पीसफुल मतलब शांति वाला नेशन बनाया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू लव चिल्ड्रन इमेंसली। ठीक है, हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद करते थे। एंड हिज बर्थडे 14 November इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे इन इंडिया। ठीक है, और जो उनका बर्थडे है जो है 14 November, वो चिल्ड्रंस डे के नाम से इंडिया में सेलिब्रेट होता है। जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 November 1889। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 14 November को पैदा हुआ थे 1889 में, इन अलाहाबाद इन ब्रिटिश इंडिया। इलाहाबाद के अंदर वो ब्रिटिश इंडिया में वो पैदा हुए थे। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिज मदर वॉज स्वरूप रानी थुसु एंड हिज फादर मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उनकी जो मदर थी स्वरूप रानी थुसु एंड उनके जो फादर थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू वॉज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो उनके फादर थे वो बहुत ही अच्छे लॉयर थे। ठीक है, वकील थे। ठीक है, और उन्होंने भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया था। फॉर द फर्स्ट 16 years ऑफ हिज लाइफ नेहरू वॉज टॉट एट होम बाय द ट्यूटर्स एंड इंग्लिश गवर्नेंस। ठीक है, तो जब वो 16 साल के थे, मतलब स्टार्टिंग के 16 साल उनके बचपन के, उन्होंने क्या करा? उन्होंने पढ़ाई करी बाय होम ट्यूटर्स, जो घर पे ट्यूटर्स पढ़ाने आते हैं, एंड इंग्लिश गवर्नेसेस, और ऐसी लेडीज़ जो इंग्लिश गवर्नेसेस हैं। अब गवर्नेसेस का मतलब क्या होता है? लेडीज़ हु टॉट एंड टुक केयर ऑफ चाइल्ड इन प्राइवेट हाउसेस, मतलब ऐसी लेडीज़ जो बच्चों को पढ़ाती है और उनकी केयर करती है प्राइवेट हाउस के अंदर। ठीक है, ही लेटर वेंट टू इंग्लैंड एंड स्टडीड एट हैरो स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वो इंडिया छोड़ के कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी हैरो स्कूल में। और उसके बाद वो जो कॉलेज गए वो क्या था? ट्रिनिटी कॉलेज था। कहाँ पे? कैम्ब्रिज में। ठीक है, देन नेहरू वेंट ऑन टू स्टडी लॉ इन लंदन। उसके बाद वो क्या करा? पहले तो वो इंडिया में थे, 16 साल उन्होंने इंडिया में पढ़ाई करी, उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे, हैरो स्कूल में पढ़े थे, ट्रिनिटी कॉलेज में, कैम्ब्रिज में। अब इसके बाद वो चले गए थे लंदन। लंदन गए थे वो क्या करने? लॉ के बारे में पढ़ने। ठीक है, लॉ स्टडी करने के लिए वो चले गए थे लंदन। ही रिटर्न्ड इन टू इंडिया इन 1912। ठीक है, वो 1912 को वापस इंडिया में आए एंड टुक कीन इंटरेस्ट इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले। उस स्ट्रगल के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और वो चाहते थे कि हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए। इन 1916 ही मैरिड कमला कौल। ठीक है, 1916 के अंदर उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, मैरिड कमला कौल। ठीक है, किससे करी? कमला कौल से करी, उनकी वाइफ है। अ ईयर लेटर देयर डॉटर इंदिरा वॉज बॉर्न। ठीक है,
अब 1916 में शादी करी उन्होंने और उसके एक साल बाद उनके घर पे एक बेटी हुई, मतलब एक डॉटर हुई, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, इंदिरा। क्या नाम रखा? इंदिरा। ठीक है। शी टू वुड ग्रो अप टू फॉलो इन हर फादर्स फुटस्टेप। अब जब वो इंदिरा जी थी, वो जब बड़ी हुई तो वो अपने फादर को देखती थी कि वो कैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, तो वो भी उनके ही फुटस्टेप्स पे चली, मतलब उनके ही दिखाए हुए रास्ते पे चलती थी। एंड वन डे बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उसके बाद वो एक दिन हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन गई। मतलब पहले उनके फादर तो प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो बड़ी हुई उनको देखती रही कि कैसे वो हमारे फादर जो हैं इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी उनके नक्शे कदम पर चली, जिसे हम बोलते हैं फुटस्टेप्स, और वो भी एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन गई हमारी इंडिया की। Although Nehru was also connected with the political situation of his time, he wholeheartedly joined the freedom movement after the Indian Wala Bagh massacre, Jallianwala Bagh massacre. ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये उन्होंने फ्रीडम के मूवमेंट में पार्ट लिया, ठीक है, जब वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, वो उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर में भी पार्ट लिया, ठीक है, उन्होंने बहुत ही होल हार्टेडली उस मोमेंट को भी ज्वाइन किया। ठीक है। ऑन 13 अप्रैल 1919 अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स गैदर्ड एट जलियांवाला बाग अंडर द कमांड ऑफ ब्रिगेडियर जनरल डायर। ठीक है। अब 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, बहुत सारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स, ठीक है, मतलब जो लड़ाई से नहीं लड़ते, ठीक है, आराम से प्यार से बात करके लड़ते हैं, वो कहाँ हुए थे, वो इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। ठीक है। किसके कमांड पे, किसके कहने पे आए थे, ब्रिगेडियर जनरल डायर। ठीक है। वो क्या थे, जनरल डायर थे, और उनका नाम क्या था, ब्रिगेडियर। द गेट्स ऑफ द प्लेस वर क्लोज सो द प्रोटेस्टर कुड नॉट एस्केप। अब जब वो सारे वहाँ पे जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए, तो जो जलियांवाला बाग का गेट था, वो सारे गेट्स जो उधर के थे वो सब बंद कर दिए गए, ताकि जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो वहाँ से भाग ना सकें, ठीक है, वहाँ से एस्केप ना हो जाए। देन द ब्रिटिश मिलिट्री फायर्ड एट देम कंटिन्यूसली फॉर 10 मिनट्स। अब जब वो सब इकट्ठे हो गए, तो जहाँ वहाँ पे ब्रिटिश मिलिट्री थी, ठीक है, वो क्या करने लग गई, उन पर फायर करने लग गई, उन पर शूट करने लग गई, उन पर गोलियाँ चलाने लग गई, और वो कंटिन्यूसली 10 मिनट तक गोलियाँ चलाती रही। ठीक है। अब जब वो गोलियाँ चला रही थी, जो भी वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर थे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर मतलब जो हिंसा के साथ नहीं लड़ते, ठीक है, तो उनके पास तो कोई चीज़ थी नहीं, तो क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी जब उन पर शूट करती रही तो वो मर गए। ठीक है। तो उस मैसेकेयर में 379 पीपल की डेथ हो गई। ठीक है। तो किलिंग 379 पीपल एंड इंजरिंग एटलीस्ट 1200 मोर पीपल, मतलब उसमें 379 पीपल तो डेड हो गए, मर गए, उनकी मौत हो गई, और 1200 लोगों को इंजरी हुई। ठीक है। 1200 लोग उससे घायल हो गए। व्हेन नेहरू हर्ड हाउ ब्रूटली दीज अनआर्म्ड सिविलियंस वर अटैक्ड, He vowed to fight the British in every way he could. ठीक है। अब जब नेहरू को ये पता चला, जवाहरलाल नेहरू को ये पता चला कि जलियांवाला बाग में कैसे लोग इकट्ठे हुए और कैसे उन पर वायलेंटली, ब्रूटली का मतलब होता है वायलेंटली, बिना किसी, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें मारा गया, ठीक है, उनके साथ गलत किया गया, तो नेहरू को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश लगा दी कि ताकि वो कुछ कर सकें जिससे उन्हें इंसाफ मिले। दिस इंसिडेंट मूव हिम टू इंक्रीज हिज एफर्ट्स फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, या फिर इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ, इस इंसिडेंट के बाद उन्हें क्या हुआ, और ज़्यादा पता चला कि नहीं, और ज़्यादा उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, अब तो हमें इंडिया की इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1919 की बात हो रही है, और हमारा जो देश है, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो ये उससे पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 1916 में जब वो यहाँ पे आए थे, है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, 1912 में वो आए थे, 1916 में उन्होंने शादी की थी। ठीक है। तो शादी के बाद 1917 में आप समझ लीजिए उनकी डॉटर हो गई, और 1919 में ये हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है। तो इसके बाद उन्हें लगा, नहीं भाई, अब तो हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है ताकि हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाए। नेहरू बिकेम अ वाइटल मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अब जो नेहरू थे वो क्या बन गए, एक मेंबर बन गए इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसके हम बोलते हैं INC। ठीक है। जिसे अब हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। एंड वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी।
और ये INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी एंड वर्कड वेरी क्लोज विद हिम, ठीक है। अब हमें भी पता है स्ट्रगल में महात्मा गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो वो बहुत ज़्यादा क्लोजली टच्ड थे महात्मा गांधी के और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे उनसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन्हें अपना मानते थे कि नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ उन्होंने बहुत टाइम तक काम किया है। ही वॉज इवन अरेस्टेड सेवरल टाइम्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो जो ये नेहरू जी थे उनको बहुत बार क्या करा गया, अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। हमने पढ़ा भी था 9 बार उन्हें जेल में पहुंचा दिया गया था, ठीक है। क्यों जेल में पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया था। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वेयर पीपल रिफ्यूज टू ओबे द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है, ऐसा जब प्रोटेस्ट चल रहा था, जब जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई ब्रिटिश सरकार की बात हमें नहीं माने, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हम नहीं मानेंगे, तो वो मोमेंट को हमने बोला था सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट। तो उस मोमेंट में साथ दिया था नेहरू जी ने, क्योंकि नेहरू जी भी चाहते थे कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए, आज़ाद हो जाए, ठीक है। तो इस सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बार नेहरू जी को अरेस्ट किया गया था। बट हिज टाइम इन जेल ओनली स्ट्रेंथेंड हिज रिजॉल्व टू गेन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ठीक है। अब उन्हें जेल में तो भेज दिया गया, लेकिन वो क्या सोचते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे इसे जेल में डाल दो, चलो ख़त्म काम, ठीक है, अब ये कुछ नहीं करेगा बंदा। लेकिन उन्होंने जो जेल का उनका टाइम था ना, उसने तो उन्हें और स्ट्रेंथ दे दी, और ताकत दे दी कि भाई अब तो मुझे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलानी ही दिलानी है, ठीक है। तो जेल का टाइम जो था उनका, उन्होंने उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ करा इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। ही ऑल्सो यूज हिज टाइम टू अंडरस्टैंड गांधी जीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। और इस टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, अपने आप को टाइम दिया ताकि वो ये चीज़ समझ सके कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस के ऊपर क्यों है, ठीक है, वो क्यों चाहते हैं कि हर चीज़ नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस के तरीके से हो, अहिंसा, ठीक है। लेटर नेहरू ट्रैवल टू सेवरल अदर नेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लेटर कुछ टाइम बाद नेहरू जो है अलग अलग नेशंस में भी ट्रैवल करने लगे, अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है। नेशन का मतलब कंट्री होता है, राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशंस टू मेट देयर पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। अब वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाने लगे और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को देखते थे, उनसे मिलते थे। ही गेन सपोर्ट फ्रॉम फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, ठीक है। वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे, उधर के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेजिडेंट्स वगैरह से मिलते थे, तो उधर से उन्होंने सपोर्ट लिया, किस लिए, ताकि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाए, ठीक है, ब्रिटिशर्स से। ही ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिस्टम एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाई हाउ दीज कंट्रीज़ वर रन, ठीक है। अब जब उन्होंने देखा वहाँ पर कि वो तो सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, तो वहाँ पर वो समझने लग गए कि कैसे वो अपनी कंट्रीज़ को चलाते हैं, उनका क्या सिस्टम है अपनी कंट्री को चलाने का, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि कैसे वो अपनी कंट्री को रन करते हैं, चलाते हैं। आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ही वर्कड हार्ड टू इम्प्लीमेंट देयर सक्सेसफुल सिस्टम्स फॉर इंडिया एज वेल, ठीक है। अब जो जो सिस्टम उन्होंने देखे थे कि कैसे एक डेवलप्ड नेशन या एक डेवलपिंग नेशन वर्क करता है, कैसे काम करता है, ऐसे ही वो हमारे इंडिया में वो सब चीज़ें लागू करने की कोशिश करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, ठीक है, ताकि क्या हो, हमारा नेशन भी, मतलब हमारा इंडिया भी अच्छे से चल सके। ऑन 15th August 1947 एज इंडिया अवोक टू फ्रीडम, हमें पता है कि 15th August 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी। जवाहरलाल नेहरू होइस्टेड द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, ठीक है। रेड फोर्ट जो हमारा लाल किला है, जो हमारा दिल्ली के अंदर है, उधर जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था, ठीक है, लहराया था, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ही देन टुक अप द चैलेंज ऑफ यूजिंग ऑल दैट ही हैड लर्न टू बिल्ड अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस नेशन, ठीक है। अब उन्होंने क्या ठान लिया था, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं इंडिया क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन अब मुझे इस इंडिया को अच्छे से चलाना है, ताकि हमारा नेशन एक प्रॉस्परस नेशन बन सके, एक हेल्दी और एक अच्छा नेशन बन सके। तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें वहाँ पर सीखी थी, दैट ही हैड लर्न,
ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें वो बाहर देशों में सीख कर आए थे, देख कर आए थे कि कैसे उनका नेशन चलता है, वही चीज़ें वो यहाँ पे करना चाहते थे लागू, ताकि हमारा नेशन भी अच्छे से चले, हमारी कंट्री भी अच्छे से चले। नेहरूज आइडिया ऑफ प्रोग्रेस कैरीड यंग इंडिया टूवर्ड्स ग्रेट साइंटिफिक एडवांसमेंट। ठीक है, अब जो नेहरू का आइडिया था किस चीज़ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ताकि हमारा इंडिया आगे बढ़ सके, कैरीड यंग इंडिया टूवर्ड्स ग्रेट साइंटिफिक एडवांसमेंट। ठीक है, उसमें बहुत सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हुई थी। ही ऑल्सो ब्रॉट मैनी सोशल रिफॉर्म्स दैट हेल्प्ड वीमेन फार्मर्स लेबर्स एंड पुअर। ठीक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्म भी करे थे। ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई थी वीमेन के लिए, ठीक है, ताकि औरतों के लिए कुछ किया जाए, फार्मर्स हमारे जो किसान हैं उनके अच्छे के लिए कुछ किया जाए, लेबरर्स जो हमारे मजदूर हैं उनके लिए, एंड दी पुअर और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करा जाए, उनके लिए हमें अच्छा नेशन बनाना है। अंडर हिज गवर्नेंस मैनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री वर सेटअप। ठीक है, जब वो थे, ठीक है, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी बनाए हैं हमारी कंट्री के अंदर, ताकि जो हमारे इंडिया के बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो भी जवान हैं, वो सब क्या कर सके, अच्छी एडुकेशन ले सके, हमारे कंट्री को आगे बढ़ा सके, ठीक है, और अपने कुछ कर सके ज़िंदगी में। ठीक है, दीज इंक्लूड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, जिसे हम IIT बोलते हैं, द ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स आता है, एंड द इंडियाज फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, तो उन्होंने एम्स जो दिल्ली के अंदर है और बाकी अदर स्टेट्स में भी कुछ एम्स हैं, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और IIT। ठीक है, IIT वही करते हैं जो इंजीनियर्स बनते हैं, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस किसके लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में लाए। ठीक है, और उन्होंने इंडिया का फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम भी बनाया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 टिल हिज डेथ इन 1964। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। कब बने थे, जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब 1947 में वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। और वो कब तक रहे थे, वो तब तक रहे थे जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई थी। ठीक है, तो उनकी डेथ कब हुई, उनकी डेथ हुई थी 1964 में। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे इंडिया के 1947 से 1964 तक। ठीक है, ऑल्दो दिस टाइम नेहरू केप्ट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज इंटैक्ट। ठीक है, अब जब वो ये प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नेहरू जी, तो उन्होंने जो इंडिया का कल्चर है, ठीक है, उसको इंटैक्ट रखा, मतलब उसको डैमेज नहीं होने दिया, उसको किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाई, मतलब हर रिलीजन, हर कल्चर, हर चीज़ को उन्होंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट दी। ठीक है, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करी उन्होंने, और उसको कोई खरोच नहीं आने दी, कोई डैमेज नहीं होने दिया, एंड हेल्प द नेशन डेवलप इनटू इंडिया वी कैन प्राउड ऑफ। ठीक है, और उन्होंने हमारे नेशन को एक ऐसा नेशन बना दिया जिसे हम इंडिया बोलते हैं, जिसके लिए हम प्राउड फील करते हैं कि हाँ वी आर इंडियंस। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हाँ हम इंडियंस हैं। ठीक है, इंडियंस हैं। ओके, आई होप आपको मेरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरी चैनल की वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके इंग्लिश के लेक्चर्स को समझने के लिए। ठीक है, तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।